मैं भाग रहा यार, मैं लेकर आया आप लोग, मेरे को मैंने खराब कर दिया सारे। ऐसे तो इसी में ही आपको चाहिए होगा। हाँ हाँ इसी में ही चाहिए। इसी चलिए ठीक, स्टिकर लगा दें, स्टिकर जरूर लगा लो उसमें। पर्चे में लिखा भी हुआ है किस तरह से यूज देना है, एक बार आप पढ़ लेना। ग्रीन कलर का हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस ये जो क्लिप है ये वाली गाइस शायद 10-15 दिन पहले की है, मैंने शूट करके रखी थी कि मैं अपने व्लॉग में ऐड करूँगी, बट गाइस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आजकल व्लॉग में थोड़ा बहुत मतलब डिसकंटिन्यू थी। तो गाइस मेरी अम्मा का नया फ़ोन आया था, मैंने ओपनिंग के लिए अपना एक वीडियो शूट किया था ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो गाइस मेरी अम्मा को सबसे पहले तो आप कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देना, क्योंकि गाइस मेरी अम्मा कमेंट्स वगैरह पढ़ती है, उनको अच्छा लगेगा। तो गाइस मेरी अम्मा ने फ़ोन मंगाया था सैमसंग गैलेक्सी M14 5G, क्योंकि मेरी अम्मा का पुराना फ़ोन ख़राब हो रहा था गाइस। तो अब आप देखिए मेरा आगे का पूरा व्लॉग, स्टे ट्यून गाइस, बने रहना, पूरा पूरा व्लॉग देखना। हाय गाइस, जो आप लोग प्राइम वीडियो देखोगे आगे वो हमने अपनी चाची के ऊपर किया था। हमारे यहाँ गाइस लाइट चली गई थी, तो चाचा कह रहे थे कि चलो चाची से थोड़ा बहुत मतलब मज़े लेते हैं। तो फिर चाचा ने बोला कि चलो हिमा को कॉल करते हैं और मतलब ऐसा ऐसा बोलते हैं। और गाइस चाची को पता नहीं चला था पहले तो कि वो हम हैं या कौन है, क्योंकि हमने किसी और के मतलब नंबर से कॉल किया था, बट इन दी एंड चाची ने पहचान लिया था गाइस। तो गाइस प्रैंक देखना, बहुत अच्छा प्रैंक होने वाला है ये। हेलो, आप BSES से बोल रहे हैं? मैम बिजली कब तक आएगी? हेलो, हाँ जी बोलिए। मैम आप BSES से बोल रहे हैं? मैम गूगल पे नंबर मिला, मुझे रॉक कैसे हो सकता है? कॉल ही काट दिया। देख लो लाइट भी आ गई, आ गई ना। मैडम कौन उठा रही? हेलो मैम, थैंक यू लाइट आ गई। थैंक यू मैडम लाइट आ गई। मैडम आपका नंबर मिला मुझे गूगल से, बिजली विभाग का। रॉन्ग नंबर कैसे हो सकता है? मुझे मिला गूगल से, मैं कह रहा हूँ कि धन्यवाद लाइट आ गई बस। मैडम आपसे बात करते ही लाइट आ गई हमारी। आपने स्विच बंद करना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी भी आ गई तो कहाँ पे होगी? BSES में आपकी नहीं आ रही क्या? मैडम गूगल पे मिला है आपका नंबर, देखो आपका नंबर मिलाती लाइट आ गई हमारी। क्या बोला मैम आपने? नहीं क्या बोल रहे थे आप, सुना नहीं मैंने। तो लाइट क्या जाए हमारी? तो घर वाले तो है ही नहीं हमारे, अनाथ हैं हम। अबे यार तो hey guys, welcome back to my channel। आप सब अच्छे होंगे, पर गए तो भी मैं ठीक नहीं हूँ। समय हो रहा है 12:30 और मैं अभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ये कैसे, हम 2 घंटे से हॉस्पिटल में थे, इमरजेंसी में गए थे। गाइस मुझे ना 10 दिन से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ऑक्सीमीटर से देखा तो सही है, 95-96 है। अभी मेरा टेस्ट हुआ, ECG वगैरह नॉर्मल आया, पल्स टेस्ट 85 आया है, नॉर्मल है। BP हाई था, सांस फूल रहा है। अगर मैंने दवाई भी खाई मुझे कुछ आराम नहीं पड़ा। तो अभी गाइस इमरजेंसी वाले डॉक्टर ने दवाई चेंज करी है, उन्होंने मुझे नेबुलाइज करने को दिया हुआ है, अभी मैंने वो किया। आप मेरे आगे वाले में देखना। वैसे मैं फ़िलहाल मैं रेस्ट कर लेती हूँ, मेरी बात करने की हिम्मत अभी नहीं हो रही है। अब वो कह रहे थे कि अगर आपको दवाई से फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको एडमिट करना पड़ेगा, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाएंगे और टेस्ट वगैरह लिखे हुए हैं, तो वो देखते हैं। गाइज बताते रहूँगी क्या अपडेट है क्या अपडेट नहीं है। तो गाइज दुआ करो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, ज़्यादा बड़ी दिक्कत ना हो।
बस गाइस अभी मैं फ़ोन छोड़ रही हूँ, मैं रेस्ट कर रही हूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। अब मेरी आईज देखिए कितनी ज़्यादा गाइस वीकनेस हो रही है। अभी कल मेरे 6 ब्लड टेस्ट हैं, मैं बताती हूँ गाइस क्या अपडेट है। नहीं रही है, स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं सुबह। तो गाइज़ डॉक्टर ने मुझे नेबुलाइज करने के लिए दिया था। डॉक्टर को लगा कि शायद मतलब मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप ये ट्राई करिए, बट गाइज़ वो डॉक्टर एक नंबर का गधा था भाई। हम मतलब उसके पास जाएंगे, हम लोग केस वगैरह करेंगे। उस गाइज़ डॉक्टर को 0% नॉलेज थी लिटरली भाई। गाइज़ नेबुलाइज करके मैं सो गई थी, और जो ये क्लिप है ये वो ली गई समथिंग अराउंड 10 बजे की है, क्योंकि मुझे मॉर्निंग की दवाई खानी थी और मुझे मॉर्निंग में नेबुलाइज करना था। तब तक हमें पता नहीं था कि मतलब मेरे को क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो गाइज़ मुझे ना चाहते हुए मतलब नेबुलाइज करना पड़ा, और जो ये गाइज़ जो नेबुलाइज में दवाई थी गाइज़ वो अस्थमा की थी। अब आप सोचिए मैं क्या ही बोलूं भाई, मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस ये जो क्लिप है ये वाली मेरी आज की है, मतलब मंडे को। अपर जो ये व्लॉग आएगा वो आएगा गाइस मतलब ट्यूसडे को, क्योंकि गाइस मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो हमें ना चाहते हुए भी गाइस स्टीफन जाना पड़ा इमरजेंसी में। तो आप देखिए गाइस वहाँ पर क्या हुआ मेरे साथ और क्या नहीं हुआ। गाइज अभी हमने ओपीडी के लिए ले लिया है, वो कह रहे थे आपको इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ेगा 2 दिन के लिए। तो हम इमरजेंसी में नहीं गए, क्योंकि एडमिट होना कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक कुछ चीज़ क्लियर ना हो जाए कि क्या है क्या नहीं है। जो डॉक्टर हैं ये सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ के रेस्पिरेटरी के। अभी हमें बता देना डॉक्टर क्या कहते हैं, भर्ती से भर्ती करना पड़ेगा या कोशिश सुन लेते ना, भर्ती तो बता दिया तो ठीक। फिर गाइज़ हम लोग शायद 4 या 4:30 बजे तक हॉस्पिटल से फ्री हो गए थे। फिर गाइज़ हमको भूख भी लगी थी, क्योंकि हमने सिर्फ सैंडविच और जूस खाया था। तो गाइज़ हम लोगों को मतलब कश्मीरी गेट में मैकडे पड़ा, तो हम लोगों ने वहाँ से मैक पफ बर्गर कोक चीज़ फ्राइज़ और फ्राइज़ वगैरह खाए। हमारा टम्मी बिल्कुल फुल हो गया था, और आप देखिए मम्मी को बताने की बात पर मतलब हंसी आ रही है, पर गाइज़ आ तो रही है मम्मी को हंसी। तो गाइज़ हम लोग घर पर आ चुके हैं, हमको आए हुए हो चुका है आधा घंटा। और गाइज़ मेरा अभी चेस्ट का एक्सरे हुआ था, तो रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई है जो फिल्म थी। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल, डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको ना एनजाइटी है किसी चीज़ का ना, आप डिप्रेशन ले रही हो। तो गाइज़ एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा कुछ मतलब डिप्रेशन तो है नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो आप वहाँ जाओ। तो आज मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है जो कि थायराइड शुगर और विटामिन डी हीमोग्लोबिन विटामिन सी पता नहीं बहुत सारे टेस्ट थे उसमें। तो उससे गाइस पता लग जाएगा कि अगर क्या पता कोई वीकनेस की वजह से ये वाली प्रॉब्लम हो रही हो। तो देखते हैं, आज है गाइस मंडे, हमें जाना है गाइस वेडनेसडे को। तो अभी हम घर पर आ गए हैं, हमें अभी भी गाइस पेट में मतलब मेरा सांस चढ़ रहा है। और गाइस यार हमारे में ना हम पहाड़ियों में ना कुछ घर का चक्कर समथिंग कुछ होता है, तो गाइस मेरे को वैसा भी सा कुछ है, तो शायद हम लोग अब गांव जाएं अपने फिलहाल। और हमने खाने में क्या खाया था, मैकपफ आलू टिक्की बर्गर वगैरह खाया था और चीज़ी फ्राइज खाए थे। थक गए यार गाइस, जो भी है कुछ रिपोर्ट में कुछ आया नहीं, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। गाइस मुझे नज़र भी लगी थी, मुझे जो गाइस लोग नज़र वगैरह मतलब उतारते हैं उन्होंने बोला कि लोगों ने आपके यूट्यूब से आप पे नज़र लगाई है, मतलब लोग मुझसे गाइस चिढ़ रहे हैं। मतलब एक जो पॉइंट आता है ना कि जब आप थोड़ा उठते हो तो लोग की हाई लगती है,
तो समथिंग कुछ ऐसा भी था। बट ये सब चीज़ें गाइस मिथ होती है, मतलब मानने वाले के लिए है, जो नहीं मानते उनके लिए कुछ नहीं है। बट हमें गाइस मतलब हॉस्पिटलाइज का भी करना था, तो गाइस इमरजेंसी वाले जो थे मतलब डॉक्टर स्टीफन वो तो कह रहे थे कि आप एडमिट मतलब हो जाओ 48 आवर्स के लिए, तो जो आपका मतलब डेली का वो रहेगा मतलब रूटीन, उसके मतलब अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। बट गाइस ऐसे एकदम से एडमिट होना कोई किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता, तो मैंने बोला कि एक बार हम लोग ओपीडी में लेते हैं तो फिर देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। गाइस ओपीडी वाले मतलब डॉक्टर कह रहे हैं बहुत चलो आप घूमो फिरो जो भी आपको करना है, मतलब बहुत ही फ्रेंकली बात कर रहे थे वो मेरे से। तो बताते हैं गाइस जो भी है, फिलहाल आज का व्लॉग यहीं करते हैं एंड, क्योंकि ये व्लॉग मेरा काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मेरे लिए दुआ करो क्योंकि गाइस जहाँ पर दवा काम नहीं आती वहाँ पर दुआ काम आ जाती है। तो मेरा भी भला हो गाइस, आपका भी भला हो, मैं तो कभी किसी को मतलब गलत नहीं कहती हूँ। तो बस यही है मेरा, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय।